प्रदेश में सीबीआई द्वारा आईएएस चंद्रकला के निवास पर मारे गए छापे के बाद अब खनन घोटाले में अखिलेश सरकार के खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति भी कटघरे में आ गए हैं। सीबीआई को गायत्री की एक डायरी हाथ लगी है जिसमें कई बड़े बड़े लोगों से लेन देन का हिसाब मिला है। अखिलेश के अलावा मुलायम सिंह के एक अन्य करीबी की भी जांच की जा रही है। अखिलेश यादव जब राज्य के मुख्यमंत्री बने तो शुरू में ही खनन मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा था। वे 2012-13 में खनन मंत्री रहे। इसके बाद मुलायम सिंह के कारण गायत्री प्रजापति का कद बढ़ा तो अखिलेश से उन्हें पहली बार कृषि राज्य मंत्री बनाया और बाद में वे खनन राज्य मंत्री भी बने जिसके कैबिनेट मंत्री अखिलेश खुद थे। कुछ समय बाद गायत्री को पदोन्नत करके अखिलेश ने स्वतंत्र प्रभार का खनन राज्य मंत्री और जनवरी 2014 में पूर्णकालिक खनन मंत्री बना दिया। इसके बाद तो खनन विभाग में गायत्री के जलवे हो गए और कुल मिलाकर सीबीआई की जांच की जब सिफारिश की गई तो अखिलेश ने 12 सितंबर 2016 को प्रजापति को अवैध खनन तथा भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त कर दिया, लेकिन मुलायम के दबाव में उन्हें पुनः खनन मंत्री बनाना पड़ा। यही नहीं, एक रेप के मामले में गायत्री प्रजापति को जेल यात्रा भी करनी पड़ी है। कुल मिलाकर सीबीआई की जांच गायत्री प्रजापति के खिलाफ चल रही है और कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि जो छापा पड़ा है सीबीआई का चंद्रकला के निवास पर उसके सूत्र गायत्री प्रजापति तक पहुंच गए हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।